वैया तेरी हारे मारिया। Hey guys, welcome back to my channel। तो आज की इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में अभी वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बनाकर रील्स पे अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने कैपकट ऐप और टर्बो वीपीएन को डाउन करना है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने टर्बो वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले से कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक वीडियो को शूट करेंगे, वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस भी टाइप की अपनी वीडियो बनानी है आपने सिंपल शूट कर लेना है, और शूट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वीडियो ले ली एक भाई की। ठीक है, ये फोटो वीडियो हमारी आ चुकी है, देख सकते हैं सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर आपकी वीडियो स्लो मोशन नहीं है तो आप स्पीड पे क्लिक करके यहाँ पे स्लोमो जरूर कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्लोमो कर लिया, देख सकते हैं आप लोग 0.56 के अराउंड मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, स्लोमो। ठीक है, इस स्टेप से आपने ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे दोस्तों करने के बाद इसको क्या करना, आपने पहले तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ मैं दोनों फिंगर से इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम करने के बाद यहाँ पे आपने पहले कट लगाना है। ठीक है, तो कट कहाँ पर है, सबसे पहले वाला ये देख सकते हैं 0.02। ठीक है, ये आ रहा है, इसके आगे यहाँ पे 5 फीट है, और 5 फीट के नीचे आपने यहाँ पे कट लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पहला कट। फिर यहाँ पे सेकंड वाला कट है, और सेकंड वाला कट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 0.04 है, इसके आगे 5 फीट है, फिर 10 फीट है, फिर यहाँ पे 15 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते 15 फीट के थोड़ा सा आगे लगा लेना। ठीक है, इस वीडियो को देखते हुए फिर आगे जाना है आपने, और आगे यहाँ पे एक और कट है, तो यहाँ पे ये कट आपने कहाँ पे लगाना है, तो देख सकते हैं 0.06 है, इसके हल्का सा आगे लगाना आपने। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे कट कर देना है। फिर क्या करना आपने, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना है, और आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो फिंगर जूम कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 0.09 फीट है, फिर 5 फीट, फिर 10 फीट, फिर यहाँ पे 15 फीट, तो 15 फीट के नीचे लगा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके नीचे करके लगा देना है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। ठीक है, कट हमारा लग गया है। और अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो लेता हूँ, जिस भी हमने टाइप की वीडियो बना रहा हूँ उसकी हम वीडियो ले लेंगे। आपने दोस्तों ये नहीं करना है। ठीक है, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, ये आपने नहीं करना है, आपने सिंपल से अब इफेक्ट लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें यहाँ पे एक डायमंड वाला इफेक्ट है, तो वो कैसे लगाएंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, डायमंड वीडियो इफेक्ट पे आएंगे, और ऊपर आपको सुपर वाली लाइन में मिल जाएगा डायमंड इफेक्ट। ठीक है, डायमंड जूम, तो ये लगा देना आपने, और ये यहाँ तक लगाना है जहाँ तक आपका ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक हम इसको लगा देंगे। और फिर क्या, इस पर क्लिक करेंगे, एडजस्ट पे आएंगे, और यहाँ पे डेंसिटी फुल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, स्टेप्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है प्लस वाला आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, और यहीं पे आगे मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं आप लोग ब्लैक वाला फेड है, और यहाँ पे हम लगाएंगे आगे वाला वाइट वाला फेड कर देंगे हम लोग 0.2। ठीक है, इतना बहुत है, तो ये हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आगे आना आपने, और आगे यहाँ से देख, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट शुरू हो रहा है यहाँ से ये जो देख सकते हैं शेक हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे वीडियो इफेक्ट पे आएंगे, इफेक्ट पे लेंगे वीडियो इफेक्ट पे, फिर ऊपर आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग वाले सेक्शन में शेक। ठीक है, तो शेक वाला लगा देंगे, और यहाँ से दूसरे पॉइंट तक इसकी लेंथ को हम रखेंगे। ठीक है, जैसे दूसरे पॉइंट तक आ गई हमारी लेंथ। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे वाला जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, और यहीं पे आपको मिल जाएगा दोस्तों कौन सा वाला, वाइट वाला, तो वाइट वाला लगाएंगे, लेंथ का साइज अराउंड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके आगे हम यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे, एनिमेशन पे आएंगे, इन पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आप इफेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लेंथ को बढ़ा देंगे लगभग 0.9 के, देख सकते हैं आप लोग हो गया ये। फिर यहाँ पे एक ब्लैक वाला साइन भी है, तो ब्लैक वाला लगा लेंगे हम, ये वाला 0.3 के अराउंड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में आपने देखना है, हमारी वीडियो थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा हुई है और म्यूज़िक कम है, तो यहाँ तक हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो पार्ट है वाला इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो डिलीट हो चुका है दोस्तों, हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ किस टाइप से हमारी वीडियो बन के आई है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर यहाँ आपकी तो दोनों लेंथ है, इसको फुल कर देंगे, फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसे। तो भाई देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर लिया वीडियो को, तो यहाँ पर मैं चला के दिखाता हूँ।
तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी वीडियो एडिट हुई, स्टेप्स आप कर लेना बहुत आसानी से हो जाएगी। और वीडियो को देख देख के आप जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने करना है, ठीक है। और कोई यार दिक्कत परेशानी होती तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं रिप्लाई 100% दूंगा। तो यहाँ पे डन कर देंगे, वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। तो गाइस वीडियो आपको जैसे अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर देना। और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।